हेलो स्टूडेंट्स, वी आर डिस्कसिंग चैप्टर फर्स्ट ऑफ द क्लास 10th साइंस. द नेम ऑफ चैप्टर इज केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन. प्रीवियस क्लास में हमने बात की थी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में. ठीक है, नाउ टुडे वी विल डिस्कस ऑन एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन. नाउ व्हाट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन? रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड along with the formation of product are called exothermic reaction. कोई भी reaction अगर आपके पास होती है, ठीक है, अगर product के साथ उसमें क्या है, reaction में heat release होती है, ठीक है, exo means heat का release होना, निकलना, ठीक है, तो exit होना means निकलना है ना. तो जब भी reaction में आपकी heat release होती है उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन. फॉर एग्जांपल, व्हेन क्विक लाइम कैल्शियम कार्बोनेट इज एडेड टू द वाटर, इट डिकम्पोजेस एंड रिलीज द एनर्जी, सो इट इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन. जब भी हम कैल्शियम कार्बोनेट को क्या है, वाटर में ऐड करते हैं, तो वो क्या है, डिकम्पोज हो जाता है, टूट जाता है उसमें, ठीक है, तो उस टाइम क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है, सो इट इज़ कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन. इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम, एक्सोथर्मिक रिएक्शन. बर्निंग ऑफ फ्यूल इज ऑल्सो ए एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन. जब भी कोई फ्यूल क्या है, बर्न करते हैं, तो वो भी उस टाइम भी क्या है, एनर्जी रिलीज होती है, तो वो भी क्या है, एग्जाम्पल एक्सोथर्मिक रिएक्शन का. फॉर एग्जाम्पल, ये जनरल इक्वेशन है, अगर ए बी क्या है आपका कंबाइन कर रहा है, तो साथ में क्या है, हीट रिलीज कर रही है प्रोडक्ट के साथ, तो ये क्या है आपकी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन. एक्सो क्या होता है, निकलना, मतलब एग्जिट होना, ठीक है, तो ये हीट क्या है आपकी प्रोडक्ट के साथ, प्रोडक्ट प्लस हीट रिएक्शन में इवॉल्व होगी या निकलेगी, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, एनी कम्बस्चन रिएक्शन, कोई भी कम्बस्चन रिएक्शन है, उसमें क्या है, हीट आपकी रिलीज होगी, तो ये भी है एक्सोथर्मिक का आपका एग्जाम्पल. फिर है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. अब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है, जब भी आपका क्या है, बेस आपका एसिड के साथ क्या है, कंबाइन करता है, तो ये क्या फॉर्म करता है, सॉल्ट प्लस वाटर, ठीक है, प्लस वाटर, और साथ में क्या रिलीज करता है, हीट, ठीक है. अब ये क्या है, आपको पता है सोडियम पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है, ये पॉजिटिव है जब टूटता है, ये नेगेटिव में, तो हमेशा अपोजिट चार्ज क्या है, अट्रैक्ट करते हैं, तो Cl इस पर अटैक करेगा, ये इस पर, तभी ये क्या है, NaCl सॉल्ट फॉर्म हो जाएगा, और वाटर ये H, और यहाँ से H2O, और साथ में क्या है, हीट आपके रिलीज हो जाएगी, ठीक है, तो ये भी क्या है, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है. फिर है फ्रीजिंग ऑफ H2O into ice cube. अगर हम H2O को क्या है, लिक्विड को चेंज कर रहे हैं सॉलिड पीस में, आइस क्यूब में, तो ये भी क्या है आपका, एग्जाम्पल एक्सोथर्मिक रिएक्शन का. जब इसमें से क्या है, हीट रिलीज होगी, तो ये पार्टिकल्स क्या है, इसके एक दूसरे के क्लोज आ जाएंगे, लिक्विड के पार्टिकल, और ये आइस क्यूब फॉर्म कर देंगे, ठीक है. नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल है फॉर्मेशन ऑफ आयंस पेयर. अगर आपके कोई आयंस पेयर फॉर्म होते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर Na, फॉर्मेशन ऑफ आयंस पेयर्स, अब ये है Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, अगर ये कंबाइन कर रहा है, तो NaCl फॉर्म कर रहा है, प्लस हीट क्या है, रिलीज कर रहा है, ठीक है. नेक्स्ट है आपका एंडोथर्मिक रिएक्शन. एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या है, रिएक्शन इन विच हीट एब्जॉर्ब आर नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है. एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, जो जिस रिएक्शन में हमें हीट की नीड होती है. फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास ए बी मॉलिक्यूल है, इसको हमने ब्रेक करना है, ठीक है, तो ये ए प्लस बी में कैसे ब्रेक होगा, जब हम इसको हीट देंगे, ये हीट का सिंबल है, ठीक है, हीट, ठीक है, तो
ये क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। जब हम क्या है रिएक्टेंट, जब भी रिएक्शन होती है उस टाइम हमें क्या है हीट की नीड होती है रिएक्शन को फर्दर प्रोसीड करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, अगर आप एनर्जी क्या है दे रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, हीट गिवन कर रहे हैं रिएक्टर में, तो ही आपका नेक्स्ट प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो क्या है रिएक्शन इन विच हीट एब्जॉर्ब, जहाँ पे रिएक्शन क्या है हीट को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, आर नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन, उसको क्या बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल कुकिंग इन्वॉल्व्स केमिकल रिएक्शन विच आर कॉल्ड एंडोथर्मिक बिकॉज कुकिंग इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ हीटिंग। अब फॉर एग्जाम्पल जब आप कुकिंग करते हैं, ठीक है, कोई भी चीज़ पकती है, कैसे पकती है, क्योंकि हम उसको क्या है हीट दे रहे हैं, हीट की वजह से क्या है उसमें क्या है केमिकल रिएक्शन हो रही है, और क्या है फूड आपका हीट की वजह से मतलब कुक हो रहा है, कुकिंग पॉसिबल है हीट की वजह से, ठीक है। तो ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। सिमिलरली इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस सन लाइट इज रिक्वायर्ड, सो इट इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ एंडोथर्मिक, ठीक है। जब भी आपके फोटोसिंथेसिस होती है, ठीक है, तो उसमें भी क्या है आपको सनलाइट की नीड होती है, ठीक है। तो सनलाइट की वजह से क्या होता है आपकी जो रिएक्शन फर्दर प्रोसीड करती है, ठीक है, तो उसमें उस रिएक्शन में भी क्या है आपको नीड होती है आपको हीट। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास ये है AgBr, ठीक है, सिल्वर ब्रोमाइड है, ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या है सनलाइट, ठीक है, सनलाइट के प्रेजेंस में जो AgBr है सिल्वर ब्रोमाइड है, ये क्या है फर्दर आपका ब्रेक हो जाएगा Ag प्लस ब्रोमीन गैस, ठीक है, सिल्वर और ब्रोमीन गैस में ये फर्दर चेंज हो जाएगा। इस रिएक्शन में क्या है हीट की नीड होती है, तभी ये मॉलिक्यूल्स आपका ब्रेक कर रहा है। तो ये क्या है एंडोथर्मिक रिएक्शन। फॉर एग्जांपल यहाँ पे भी है सिल्वर क्लोराइड है, तो यहाँ पे क्या है सनलाइट है, ठीक है, तो ये सिल्वर और क्लोराइड में चेंज हो रहा है, ये भी क्या है आपका एग्जाम्पल एंडोथर्मिक का। अब फर्दर जो एग्जाम्पल है मेल्टिंग ऑफ आइस, जब आइस की आपकी मेल्ट हो रही है, तो वो भी क्या है एग्जाम्पल आपका एंडोथर्मिक रिएक्शन का, क्योंकि क्या है हीट आपकी एब्जॉर्ब हो रही है तभी आपका आइस क्यूब जो है वो मेल्ट हो रहा है। फिर इवेपोरेशन ऑफ लिक्विड वाटर, अगर लिक्विड वाटर है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है अगर हम हीट दे रहे हैं, ठीक है, तो आपका ये लिक्विड क्या है चेंज हो रहा है वेपर्स में, ये भी क्या है आपकी एंडोथर्मिक रिएक्शन है। फिर आपका थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ रिएक्शन, अगर किसी भी रिएक्शन में हम क्या है आपको हीट दे रहे हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आपकी कैल्शियम कार्बोनेट है, ठीक है, इसमें हमने क्या है हीट दी, ठीक है, तो ये कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर में क्या है ब्रेक हो रहा है कैल्शियम कार्बोनेट, तो ये भी क्या है आपका एग्जांपल एंडोथर्मिक रिएक्शन का, एंडो मींस हीट एब्जॉर्ब होना, ठीक है। फिर आपका फॉर्मिंग ए कैटायन फ्रॉम एन एटम, अगर किसी भी आपके कैटायन से सॉरी फॉर्मिंग ए कैटायन फ्रॉम ए एटम, कोई भी एटम है उससे हमने कैटायन फॉर्म करना है। फॉर एग्जांपल अगर सोडियम है, ठीक है, तो यहाँ से हमने सोडियम की क्या है 2, 8, 1, 11 होता है ना एटॉमिक नंबर, तो ये क्या है कैसे चेंज होगा कैटायन टू एनायन, क्योंकि हमें क्या करना है ये इलेक्ट्रॉन आपका रिलीज करना है, ठीक। तो यहाँ पे क्या है अगर ये एनर्जी एब्जॉर्ब करता है तो एन ए पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा, तो क्योंकि ये इजिली दे सके, यहाँ पे क्या है एनर्जी की नीड नहीं है इस इलेक्ट्रॉन को मूव करने के लिए, इसको स्टेबल होने के लिए ये खुद भी दे रहा है, तो यहाँ पे इतनी ज़रूरत नहीं है एनर्जी देने की, ठीक है। तो ये क्या है एक आपकी एंडोथर्मिक रिएक्शन, यहाँ पे क्या है हीट आपकी एब्जॉर्ब होगी, ठीक है, हल्की सी हीट एब्जॉर्ब होगी, ठीक है, और जैसे ही हीट देंगे हम इसको थोड़ा सा, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या है आपका रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो
ये किस में चेंज हो जाएगा, Na पॉजिटिव, ठीक है, तो इसकी N2-8 कॉन्फिगरेशन हो जाएगी, ठीक है, जब Na पॉजिटिव ये अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा, ठीक है, तो फॉर्मिंग एक कैटायन फ्रॉम ए एटम, न्यूट्रल एटम जो है, ठीक है, उसमें से हमने कैटायन चेंज करना है, तो ये भी क्या है आपकी एंडोथर्मिक, क्योंकि हम यहाँ पे क्या हल्की सी हीट देंगे, ठीक है, हीट देंगे तो ये इलेक्ट्रॉन इजीली आपका निकल जाएगा यहाँ से और हमारे पास कैटायन फॉर्म हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका सेपरेटिंग आयंस, अब हमने आयंस को सेपरेट करना है, फॉर एग्जांपल ये है आपके पास सोडियम और ये आपके ये पॉजिटिव चार्ज जो होता है ये कैटायन होता है और नेगेटिव चार्ज जो होता है एनायन, ठीक है, तो ये क्या है आयनिक आपके पास सॉलिड्स फॉर्म करता है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है बॉन्ड क्या है स्ट्रॉन्ग होता है, क्योंकि जो पॉजिटिव और नेगेटिव जो चार्जेस होते हैं उनके बीच क्या है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, ठीक, तो यहाँ इस को सेपरेट करने के लिए, इन चार्जेस को सेपरेट करने के लिए हमें क्या है एनर्जी देनी पड़ती है यहाँ पे, ठीक है, तभी ये क्या है चार्ज आपके सेपरेट होंगे Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव पे, ठीक है, तो ये भी रिएक्शन आपकी क्या है एंडोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पे भी क्या है आपकी हीट की ज़रूरत है, ठीक है, जब हम यहाँ पे हीट देंगे एनर्जी देंगे तभी आपका ये एनायंस सेपरेट होंगे, एनायंस और कैटायन एनायंस आपके सेपरेट होंगे, तो ये सेपरेटिंग आयंस इज आल्सो ए एंडोथर्मिक रिएक्शन, और जब हम क्या है इन रिएक्शन को मतलब फर्दर कंबाइन करते हैं तो क्या हीट रिलीज हो जाएगी, NaCl मॉलिक्यूल फॉर्म होगा, तो यही क्या है एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल हो जाएगा, जब ये कंबाइन करता है तो एक्सोथर्मिक और जब ये चार्जेस को सेपरेट करते हैं तो ये क्या है एंडोथर्मिक का एग्जाम्पल, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है एक दूसरे के साथ, तो ये इनको सेपरेट करने के लिए हमें एनर्जी की नीड होती है, तो ये एब्जॉर्व करेगा एनर्जी तभी क्या है ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, इनके बीच अट्रैक्शन कम हो जाएगी और ये ब्रेक हो जाएगा Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में।